This is the first session where we are going to learn up the dynamic things. First session mera base rahega insurance par. So are you ready for insurance questions? Yes sir. Okay. So sabse pehle main chahunga aapse puchna, what do you mean by the word premium? Sir, premium वो amount होती है जो सर हम अपने insurance coverage के बदले में सर हम company को pay करते हैं सर. ये monthly base, quarterly base और half yearly और annually base पे हो सकती है सर. Very good. आपने जो अपना place भरा है वो पंजाब में किस एरिया का भरा है? सर मैंने जलंधर से अप्लाई किया सर. ओके, तो जलंधर के बारे में कोई स्पेशल बात आपको पता हो? सर जलंधर में सर साइंस सिटी है सर, फन सिटी है सर. जलंधर एक सर जलंधर सरदार भगत सिंह के जन्मस्थल है सर. वहाँ का सर खटखट कला में सर उनका एक म्यूजियम बना हुआ है सर. सर वहाँ एक वॉर मेमोरियल म्यूजियम बना हुआ है सर. वेरी गुड. चलिए, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड सिप? SIP सर, सिप का मीन्स होता है सर सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान सर. इसमें आप सर 500 रुपए की वैल्यू से शुरू होकर सर ये प्लान आपकी अनुसार आपकी क्या नाम इनकम अनुसार सर जाता है सर. ये जब जितना भी आप अप्लाई करना चाहते हैं सर. तो सर इसमें आप एक मंथली वेज सर वैल्यू इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं सर, जिसका एक अच्छा रिटर्न मिलता है सर. वेरी गुड. व्हाट डू मीन बाय द वर्ड इंश्योरेंस कवरेज? सर इंश्योरेंस कवरेज वह अमाउंट होती है सर जिस अमाउंट के लिए हम एक इंश्योरेंस लेते हैं सर. सर सपोज कीजिए सर आपने कार के लिए 5 लाख का इंश्योरेंस किया है सर, तो आपको जो वैल्यू 5 लाख में से जो मिल रही है वो इंश्योरेंस कवरेज है सर. वेरी गुड. चलिए, सिंस आप अच्छे से जानते हैं दोस्तों ये फर्स्ट पार्ट चल रहा है और मुझे इंश्योरेंस पर ही बेस्ड रहना है इनका, तो डेफिनेटली मेरा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि लाइफ एश्योरेंस क्या होता है? सर लाइफ इंश्योरेंस, सर लाइफ इंश्योरेंस में सर जैसे कि सर किसी व्यक्ति की अगर मृत्यु होती है उसके बाद उसके परिवार को सर किसी भी तरह की कोई कब एंड डिफरेंस बिटवीन लाइफ इंश्योरेंस और एश्योरेंस में क्या फर्क है? इंश्योरेंस और एश्योरेंस, सर एश्योरेंस में सर हम इंश्योरेंस सर किसी भी चीज़ को सर हम हूबहू हालत में नहीं ले सकते हैं. जैसे आपका कार का इंश्योरेंस है सर, अगर उसका एक्सीडेंट होता है तो उसे हम नहीं ले सकते हैं सर, मीन्स उसकी रिप्लेसमेंट है. right. सर एश्योरेंस का मतलब होता है सर किसी भी इंसान की कोई रिप्लेसमेंट नहीं होती सर. yes. तो सर अगर हम किसी इंसान का सर लेते हैं तो उसे सर एश्योरेंस कहते हैं सर. ओके, तो रिलेटेड टू पर्सन इट इज लाइफ एश्योरेंस. ओके, इंश्योरेंस सिनेरियो इन जनरल इन आवर कंट्री कुछ बताना चाहोगे? इंश्योरेंस सिनेरियो कैसा है सर? हमारे जैसे बड़े देश में सर इंश्योरेंस सेक्टर सर बहुत ग्रो कर रहा है सर, पर इंश्योरेंस के हालात सर इंश्योरेंस सिनेरियो जो होना चाहिए वो नहीं है सर, क्योंकि लोग अभी भी सर इंश्योरेंस को लेकर इतने अवेयर नहीं है सर. अवेयर नहीं है क्योंकि सर हमारे जो अभी भी गरीब तबका है सर वो इंश्योरेंस की तरफ उनकी इनकम कम होने की वजह से वो इंश्योरेंस की तरफ ध्यान नहीं देता है सर. okay. अगर उन्हें क्योंकि वो खुद एक पर्सन ही कमाने वाला होता है परिवार में, अगर उससे कुछ हो जाता है तो बाद परिवार के हालात बदतर हो जाते हैं सर. ओके, तो हमारे देश में सर इंश्योरेंस सेक्टर को इंश्योरेंस सिनेरियो और अच्छा होना चाहिए सर. चलिए, इंश्योरेंस ओम्बर्समैन क्या होता है? सर इंश्योरेंस में अगर किसी भी तरह की कोई गलती हो जाती है सर, अगर कोई क्लेम है सर जो किसी व्यक्ति को नहीं मिल रहा है सर, तो वो इंश्योरेंस ओम्बर्समैन के पास जा सकता है सर, अपनी शिकायत दर्ज करवा सकता है, जहां उसकी शिकायत को सुना जाएगा सर. और इसमें सर इसकी लिमिट 20 लाख तक की कोई क्लेम है सर जो किसी वजह से अटक चुका है या किसी वजह से उसे नहीं मिल रहा है सर, तो अपनी शिकायत वहां लेके जाएगा और वो ओम्बर्समैन सर इसके ऊपर कार्रवाई करेगा और उसे हक देगा सर. वेरी गुड. जसदीप कैसे आंसर्स दे रहे हैं ये? आपने भी जलंधरी भरा है? यस सर. वेरी गुड. एंड यू आर फ्रॉम सीकर, राइट? जी सर. तो डेफिनेटली आपको भी अच्छा लग रहा होगा कि यहाँ के लोग भी अच्छी प्रैक्टिस कर रहे हैं अपनी तरफ से, राइट? चलिए, व्हाट डू मीन बाय इंश्योर्ड एंड इंश्योरर? सर जिस व्यक्ति का इंश्योरेंस होता है सर उसे इंश्योर्ड कहते हैं सर, और जो कंपनी इंश्योरेंस करती है सर उसे इंश्योरर कहते हैं सर. वेरी गुड. इंश्योरेंस ओम्बर्समैन स्कीम 2017 क्या कहती है? सर इंश्योरेंस ओम्बर्समैन स्कीम 2017 में सर इसमें सर ओम्बर्समैन की संख्या को बढ़ाया गया सर. okay. और सर उनकी लिमिट जो कि पहले सर 10 लाख थी उसे 20 लाख कर दिया गया सर. सर इसमें जो क्लेम की जो शिकायत थी सर उसके 30 दिन से शायद 15 दिन कर दिया गया. एंड हु इज बेनिफिशियरी? सर बेनिफिशियरी सर जिस इंश्योरेंस जब कोई व्यक्ति इंश्योरेंस करवाता है सर तो बेनिफिशियरी के नाम पर अपने किसी रिलेटिव का नाम लिखवाता है. बेनिफिशियरी वो होता है सर जिसे अगर किसी व्यक्ति को कुछ हो जाता है उसकी तो उसके बाद जो बेनिफिट्स जिस व्यक्ति को ट्रांसफर होंगे सर जिसे मिलेंगे उसे बेनिफिशियरी कहते हैं सर. ओके, इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस टर्म्स कौन कौन सी हैं सर? कुछ भी टर्म्स कोई आपको एक दो याद हो? वैसे तो मैंने बहुत सी टर्म्स का नाम ऑलरेडी लिया, आपने ध्यान नहीं दिया. लाइफ एश्योरेंस, इंश्योरेंस वगैरह, प्रीमियम्स वगैरह, ये सब टर्म्स ही हैं. वेल गुड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हो, यही टर्म्स होती है वो, राइट? चलिए, व्हाट इज नो क्लेम बोनस? नो क्लेम बोनस क्या होता है?
सर अगर किसी व्यक्ति को किसी कोई व्यक्ति सर अपने यस कोई अपना इंश्योरेंस पीरियड में सर कोई क्लेम नहीं लेता है सर, मान लो अगर ओके आपने किसी कार का आपने इंश्योरेंस करवा रखा है और आपने इतने सालों में कोई भी किसी भी तरीके का कोई क्लेम नहीं लिया है, तो सर आपका जो प्रीमियम है सर वो आगे कम होता जाएगा सर, आपको ज़्यादा ओके प्रीमियम नहीं देना पड़ेगा सर, उसे सर नो क्लेम बोनस कहते हैं। और इंश्योरेंस पेनिट्रेशन से आप क्या समझते हैं? सॉरी सर इसके बारे में। ओके चलिए गो थ्रू इट, आप कर लीजिएगा। व्हाट डू मीन बाय लॉस पेई? सर अगर कोई इंसान जिसका इंश्योरेंस हो रखा है और वो अपना वो जो पे कर रहा है सर और उसकी जो उसका जो पीरियड से पहले वो बंद कर देता है पॉलिसी, ओके जो ग्रेस जो पीरियड होता है सर राइट। उसका जो नुकसान होता है सर उस लॉस पे। एंड व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एलआईसी? एलआईसी के ऑब्जेक्टिव्स क्या है? LIC का जब मेन ऑब्जेक्टिव सर देश में सर सभी को सेफ्टी प्रोवाइड सेफ्टी प्रोवाइड करनी, करना सर और कम बिल्कुल कीमत पर सर इंश्योरेंस प्रोवाइड कराना सर, जिससे कि कोई भी व्यक्ति सर किसी भी व्यक्ति को सर फाइनेंशियली सर मदद मिल सके, उसके परिवार को मदद मिल सके, अगर किसी कारणवश दुर्घटनावश वो व्यक्ति दुनिया से चला जाता है तो उसके परिवार को किस तरह से कोई दिक्कत ना हो। ओके। व्हाट इज को इंश्योरेंस? सर जब किसी कोई इंश्योरर सर कोई कंपनी जैसे LIC कंपनी सर किसी और कंपनी के साथ मिलकर सर इंश्योरेंस करती है, किसी दो एक व्यक्ति का दो कंपनी द्वारा इंश्योरेंस किया जाता है सर, उसे को इंश्योरेंस कहते हैं और एन्यूटी से आप क्या समझते हैं? एन्यूटी सर। एन्यूटी सर जो किसी भी LIC किसी भी प्रोडक्ट का जो सर एक टाइम पीरियड मेच्योरिटी टाइम पर जो वैल्यू दी जाती है सर, जिसमें उसकी उसके द्वारा सम इश्योर्ड और उसके जो बोनस वगैरह जो इंटरेस्ट वगैरह जो पे किया जाता है सर एक टाइम पीरियड में फिक्स, उसे सर एन्यूटी कहते हैं सर। डिफरेंस बिटवीन प्रॉफिट एंड विदाउट प्रॉफिट प्लान्स? सर प्रॉफिट प्लान सर जिस प्लान में सर हमें मेच्योरिटी पर सर एक प्रॉफिट मिलता है सर, उसे सर प्रॉफिट विद प्लान्स कहते हैं, और सर जिसमें सर हमें सिर्फ सम इंश्योर्ड मिलते हैं सर उसे नॉन प्रॉफिट प्रॉफिट विदाउट प्लान। ओके चलिए फिर भी आप इसको अच्छे से देखिएगा। इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? ये जो वर्ड है इंश्योरेंस, ये आपको क्या बताता है? सर इंश्योरेंस से मतलब सर हमें अपनी ज़िंदगी या अपनी किसी भी चीज़ की सर एक सेफ्टी जो कि कंपनी द्वारा प्रोवाइड की जाती है सर, जिसे हम एक प्रीमियम देकर सर अपने कवर कर सकते हैं सर, अपना रिस्क कवर कर सकते हैं, भले वो किसी चीज़ हो सर या अपनी ज़िंदगी सर, जिससे जाने के बाद हमारे परिवार को किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो सर, सर उससे इंश्योरेंस कहते हैं सर। ओके चलिए अभी मैं आपसे बहुत से क्वेश्चंस है अभी इंश्योरेंस के, पर एक बात बीच में पूछना चाहूंगा कि आपको पीडी क्लासेस के बारे में कैसे मालूम चला था? सर पीडी क्लासेस के बारे में सर मैं इंटरनेट के माध्यम से पता चला है सर, फिर इसके बाद सर मैंने अपने दोस्तों से बात की सर, उन्हें उनसे मैं जानकारी मिली कि सर वो कि काफ़ी फेमस है सर पीडी क्लासेस सर, और अब बहुत आप कैसा स्टूडेंट फील का कर रहे हो यहाँ सिलेक्शन पे? हो कॉन्फिडेंस आ गया रहा है कुछ? है। यस सर हमें बहुत सर पहले से ज़्यादा बहुत ज़्यादा इंप्रूव कर चुका हूँ सर, ओके सर बहुत कॉन्फिडेंस हुआ सर, अच्छे यहाँ आने का सर बहुत बहुत से फायदा लोगों को हुआ लगता है कि 7 डेज में कैसे मिरेकल हो सकता है, आपकी क्या राय है इस बारे में? सर। पहले सर मुझे भी ऐसा लगता था कि 7 डे बहुत कम है सर मेरे जैसे इंसान के लिए, जो पहले सर बिल्कुल जिसका कॉन्फिडेंस कम था सर, पर अब मुझे लगता है 7 डे बहुत है सर, शायद 5 दिन में ये काम हो सकता है सर। वेरी गुड। पेड वैल्यू से आप क्या समझते हैं? सर पेड वैल्यू वह वैल्यू होती है जब आप किसी पॉलिसी को बीच में छोड़ देते हैं और उसकी जो मेच्योरिटी डेट पे आपको वैल्यू मिलती है उसे पेड वैल्यू कहते हैं। ओके चलिए आप मुझे यस और नो में जवाब दीजिएगा, फिर एक्सप्लेन कीजिएगा। इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट अ पार्ट टर्म लाइफ इंश्योरेंस इनटू परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस? यस सर। हाउ? सर किसी भी टर्म प्लान को सर हम पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं कर सकते, पर उसका किसी पार्ट को हम सर जरूर परमानेंट लाइफ इंश्योरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं सर, कुछ पॉलिसीज में ऐसा होता है सर, हर पॉलिसी में ऐसा नहीं होता सर। ओके एंड हाउ टू क्लेम पॉलिसी? कैसे क्लेम की जाती है पॉलिसी? सर सबसे पहले हमें अपनी पॉलिसी के जो पेपर्स हैं सर उन्हें लेके LIC ऑफिस में जाना होता है सर, एक डॉक्यूमेंट फिल करना पड़ता है सर, उस डॉक्यूमेंट को जमा करवा के अपनी डिटेल अपनी बैंक डिटेल सर ऑफिस में जमा करवानी होती है सर, उसके बाद हमें क्लेम मिलता है सर। और गैप इंश्योरेंस से आप क्या समझते हैं? गैप इंश्योरेंस। सॉरी सर इसके बारे में। ओके तो चलिए आपने दो वर्ड्स, मैं चाहूंगा आप जल्दी से जल्दी कवर अप कीजिए राइट, और अपना नॉलेज गेन कीजिए, आप ज्यादा होशियार हो जाएंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाएंगे। ऑलमोस्ट मैं आपसे सारे क्वेश्चंस कवर अप कर चुका हूँ इंश्योरेंस के, फिर भी मेजर क्वेश्चन रहता है मार्केटिंग और सेल्स में क्या डिफरेंस है, तो क्या राय है आपकी? सर सेल्स है सर, सेल्स सर एक पॉइंट है मार्केटिंग का सर, मार्केटिंग वाइड टर्म है सर, सेल्स में मार्केटिंग नहीं आती पर मार्केटिंग में सेल्स जरूर आती है सर। सर ओके हम किसी भी चीज़ को सर किसी सही ढंग से प्रस्तुत करना सर, कस्टमर्स को प्रभावित करना सर, उन्हें माल बेचना सर, वो मार्केटिंग है सर, और ओके सेल्स एक सर सिर्फ सेल्स मार्केटिंग का एक पॉइंट है सर। वेरी गुड।
होप जितने भी मैंने इंश्योरेंस के क्वेश्चन पूछे फर्स्ट पार्ट के अंदर, वो स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा। अब इसी का जब हम सेकंड पार्ट लेते हैं तो उसमें हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रखेंगे, ताकि हमारे स्टूडेंट्स को इसका भी बेनिफिट पार्ट मिले कि डिफरेंस चल रहा है, यहां पर हमने इंश्योरेंस रखा और सेकंड पार्ट के अंदर हम हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस रखेंगे, ओके। और थर्ड पार्ट में सिंस आपको ऑलरेडी एक्सपीरियंस है 2 ईयर्स का इंश्योरेंस में, आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज एजेंट, तो हम थर्ड पार्ट के अंदर आपसे रिलेटेड क्वेश्चनिंग करेंगे ताकि आपको बेनिफिट मिले। पर आप लोगों को भी कैसा लगा इनका नॉलेज वगैरह देकर, कॉन्फिडेंस कैसा लगा? अच्छा सर। ओके, आप बिल्कुल नए हो यहाँ पर अभी, तो आपको कैसा लग रहा है? इनको कुछ दिन हो गए हैं, 4-5 दिन हो गए हैं, तो इनको इनका कॉन्फिडेंस देखकर आपको लग रहा है कि आप भी सीख जाओगे बहुत अच्छा, क्योंकि आपको हार्डली 2 दिन हुए हैं। वेरी गुड, तो चलते हैं हमारे, अब हम अपने सेकंड पार्ट को कवर अप करते हैं, पर इनको बेस्ट विशेष देते हैं इसके लिए, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बेस्ट विशेष दूंगा कि